तो मोस्ट वेलकम मेरे नए वीडियो के अंदर। दोस्त आप सभी जानते हैं कि 2023 बेसिकली अब अलविदा कहने को है। तो हम आ यहाँ बात करने वाले हैं, बॉलीवुड को लेकर बात करने वाले हैं कि 2023 में जब बॉलीवुड हमारा खतरे के अंदर था, बहुत सारी मूवीज़ डूब रही थी और बॉलीवुड एक हिट मूवी के लिए तरस रहा था, तब बेसिकली किसने अवतार लिया, कौन बॉलीवुड को बचाने आया। तो दोस्त आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड को बचाने तो उसका बेसिकली बादशाह आएगा। जी हाँ दोस्त, हम बात करेंगे शाहरुख खान को लेकर। 4 साल के ब्रेक के बाद शाहरुख खान साहब वापसी करते हैं और ऐसी वापसी करते हैं कि भाई इतिहास लिख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2023 बॉलीवुड के इतिहास के अंदर याद किया जाएगा तो उस सुपरस्टार की वजह से याद किया जाएगा, उस किंग की वजह से याद किया जाएगा दोस्तों, जिसने डूबते बॉलीवुड को बचाया। इसलिए दोस्तों ने बादशाह, रोमांस किंग, एक्शन किंग, नहीं जाने कितने नामों से दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों बॉलीवुड का नाम जिस दिन भी याद किया जाएगा दोस्तों SRK के बिना उस बॉलीवुड को, बॉलीवुड के नाम की दोस्तों पूर्ति नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड का पर्याय बन गए शाहरुख खान। एक हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो दोस्तों शाहरुख खान का नाम ही निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, जो लगातार 30 सालों से इस दिल पर राज कर रहा है दोस्तों, अपनी फिल्मों से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो बेसिकली उनकी पहली फिल्म भाई सराई पठान जो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, बट उस कंट्रोवर्सी के बावजूद भी लगातार लोग मांग कर रहे थे कि इस फिल्म को बाइकआउट करना है, बाइकआउट करना है। और दीपिका का वो सॉन्ग आया उसके बाद और ज़्यादा, और दोस्तों बाइकआउट गैंग लगातार ये कहती है इस फिल्म को फ्लॉप कराना है। दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कंट्रोवर्सी पैदा की गई तो इस फिल्म को लेकर की गई। और यहाँ तक कि दोस्तों SRK को जलील करने के लिए अनाप शनाप बयान दिए जा रहे थे, लेकिन तमाम कंट्रोवर्सी के बावजूद जो ऑडियंस हैं वो दोस्तों घरों से निकले और थिएटर के अंदर गए और बाइकआउट गैंग को ज़बरदस्त जवाब दिया। और दोस्तों SRK के फिल्मी करियर के अंदर भाई 1000 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी दोस्तों। एक्शन था और SRK को एक्शन फिल्म में देखा गया भाई। उसके बाद कहा गया कि ये तो कंट्रोवर्सी को जैसी फिल्म चल गई, अगली वाली फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन भाई जब जवान आई तो जवान तो दोस्तों इससे भी बड़ी हिट साबित हुई और जवान ने तो भाई जो है पठान से भी ज़्यादा कमाई करके दिखा दी। बेसिकली आपको पता है कि जवान की जो स्टोरी थी वो ज़बरदस्त थी, एक्शन सीन यूनिक थे और SRK को एक मासे अवतार में दिखाया गया, ज़बरदस्त एक्शन अवतार में दिखाया गया। स्टोरी ऐसी कि जो लोग फिल्म को देखें वो बार बार जाकर भाई इस फिल्म को देख रहे थे। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ तो दोस्तों दोनों ही फिल्मों ने धमाल मचा के रख दिया। और अब SRK की आने वाली तीसरी फिल्म, जी हाँ डंकी एक अलग जोनर की फिल्म है दोस्तों। बेसिकली उसका कलेक्शन पठान और जवान जितना नहीं होगा ये हम जानते हैं, बट दोस्तों इस फिल्म ने भी कमाई के हिसाब से, फैमिली जोनर के हिसाब से, फैमिली ऑडियंस को टारगेट रखकर फिल्म बनाई गई है। और दोस्तों राजकुमार हिरानी ने इसको डायरेक्ट किया है, बेसिकली उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके बट लेकिन बेसिकली ये फिल्म भी हिट हो गई है, सुपर हिट हो गई है और ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है और धीरे धीरे भाई ये फिल्म आगे बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार SRK ने कलेक्शन किया, डूबते बॉलीवुड को बचाया। बट एक सैड न्यूज़ भी है, सैड न्यूज़ भाई ये है कि 2024 SRK के बिना रहेगा। यार दोस्तों ये कैसे निकला यार, SRK के बिना हम भाई कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तो हमें हैबिट हो गई SRK की फिल्म देखने की, लगातार हम तो चाहते हैं कि लगातार उनकी फिल्में आएँ, बट भाई 24 के अंदर उनकी फिल्में देखने को नहीं मिलने वाली। उसके बाद भाई अगली वापसी सरप्राइज होंगे, जी हाँ सनी देओल दोस्तों पता है कि 66 साल के अंदर एक बंदा वापसी करके दिखाता है और गदर 2 लेके आता है दोस्तों, गदर 2 फिल्म लेके आता है। और जब गदर 2 भाई रिलीज हुई थी उसने ज़बरदस्त कलेक्शन किया था और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी यार कि गदर 2 आएगी और इतना सारा कलेक्शन करके दिखाएगी। 20 साल बाद इस फिल्म का भाई पार्ट 2 आता है, बट ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाता है बंदा और इसने कमाल करके रख दिया। और उसके बाद तो भाई उनकी कुछ और फिल्मों को लेकर बात हो रही है, जिसमें बॉर्डर 2 को लेकर बात हो रही है, घातक 2 को लेकर बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी आने वाली है, इनका पार्ट 2 भी आने वाला है। और मुझे लगता है कि और भी कोई ऐसी फिल्में हैं जो उनकी रही है जो कि देशभक्ति पर आधारित है, लाहौर भी एक फिल्म है उसके ऊपर बात चल रही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर सनी देओल का कमबैक हो गया है। जी हाँ दोस्तों वापसी उन्होंने कर ली है और अब उनकी बहुत सारी फिल्में आपको देखने को मिलने वाली। बात हम करते हैं बॉबी देओल, जी हाँ दोस्तों आपको पता है कि बॉबी देओल एक समय खत्म से हो गए थे, लोगों ने कहा था कि बॉबी देओल का टाइम जा चुका है और भाई बॉबी देओल का टाइम तो मैं कहता हूँ अब आया है। जी हाँ दोस्तों, एक उन्होंने अपने आप को चेंज किया और एक नेगेटिव किरदार के अंदर वापसी करके दिखाई और एनिमल के अंदर थोड़ा सा रोल, जबकि एक डायलॉग उन्होंने बोला बट भाई उसके बावजूद छा गई। और दोस्तों मुझ कहीं कुछ सीन में तो वो रणवीर कपूर के ऊपर नजर आए, जी हाँ दोस्तों उनसे सुपर एक्टिंग करते नजर आए, थोड़ा सा रोल बट जानदार रोल उन्होंने यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया। भाई अगले हम बात करेंगे रणवीर कपूर। दोस्तों आपको पता है कि सलून की 2 फिल्में आई थी, तू झूठी मैं मक्कार, बट उनकी जो सभी जो चर्चित फिल्म थी एनिमल, जी हाँ दोस्तों आपको पता है कि एनिमल ने कितना सारा कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर भाई सुनामी ला के रख दी। यानी कि 2 फिल्में और दोनों का कंटेंट अलग, उससे पहले उनकी एक इमेज थी कि भाई वो लवर वो आए सिर्फ रोमांस की फिल्में कर सकते हैं और दूसरी जॉनर की फिल्में नहीं कर सकते, बट एनिमल फिल्म करके उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखा दिया यार वो बंदा एक्शन भी कर सकता है और एक्शन भी ज़बरदस्त। भाई आपने देखा एनिमल के अंदर क्या मासी अवतार दिखाएगा, कितनी ज़बरदस्त वॉयलेंस दिखाई गई,
बेसिकली फिल्म कंट्रोवर्सी की थी, हम मानते हैं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी फिल्म के अंदर, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि भाई फिल्म शानदार थी और फिल्म ने शानदार कलेक्शन भी किया। बेसिकली फिल्म का सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल था। संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि वॉयलेंस क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने बता दिया कि वॉयलेंस क्या होता है और फिल्म ने कलेक्शन भी जबरदस्त करके दिखा दिया। और मुझे लगता है कि इसके सामने अभी दूसरी फिल्में नहीं आती, सलार और डंकी नहीं आती, तो ये फिल्म अभी भी और ज़्यादा कलेक्शन कर सकती थी। बट आपको पता है कि एक तरफ तो भाई सलार आ गई, दूसरी तरफ डंकी आ गई, सो इस वजह से इसका जो कलेक्शन है वो रुक गया। तो दोस्तों अगली हम बात करेंगे यहाँ पर जो जिसने काम अच्छा किया, बेसिकली OTT बंदा, OTT का बंदा है पंकज त्रिपाठी, जिनकी OMG आई थी। जी हाँ दोस्तों, OMG 2 आई थी। ये भी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर आधारित थी फिल्म थी, बट यहाँ पर पंकज त्रिपाठी का जो काम था वो बहुत ही शानदार रहा था। वहाँ बहुत ही शानदार बंदे ने काम करके दिखाया था। तो भाई 2023 जबकि हम कह रहे थे कि बॉलीवुड कुछ लोग चला रहे थे, बॉलीवुड का दी एंड हो गया, पर बॉलीवुड ने भाई ज़बरदस्त कमाई की, बॉलीवुड फिर जिंदा हो गया है और 2024 भी इसी प्रकार का एंटरटेनमेंट करेगा। और SRK हमें देखने को मिलेंगे 2025 के अंदर, जब मुझे लगता है कि वो 2 या 3 फिल्में इसी प्रकार के लेकर आएंगे। तो बेसिकली 2024 के अंदर तो जो भी होगा हम देखेंगे, पर 2023 के अंदर सिर्फ याद किया जाएगा बॉलीवुड के किंग बादशाह शाहरुख खान की वजह से। उन्होंने बॉलीवुड को भी जिंदा कर दिया है और बेसिकली उनकी जो फिल्में हैं उनका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। अब इंतजार करना पड़ेगा 25 तक, जब वो एक, आपको पता है कि अभी तो उनकी फिल्मों को लेकर अभी अनाउंसमेंट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है और उनके साथ और भी फिल्में आ रही हैं जो कि वो भाई एक्शन फिल्में लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या कहेंगे अब 2023 की सफलता के ऊपर और आने वाले समय के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर।